नमस्कार किसान भाइयों, जयपुर मंडी भाव चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जयपुर मोहाना मंडी में हैं और हम हैं श्री चार भुजा आलू भंडार पर सुरेश भाई के पास। आज में क्या माहौल बना, कितनी आवक देखने को मिली। आवक पीछे सामने गाड़ियां देख सकते हैं, नासिक वाला माल गाड़ी पे गाड़ी लगी हुई है, पर इतना माल नहीं है जितना उम्मीद थी। लगभग फ्रेश माल है वही 50-60 के आसपास देखने को मिल रहा है, कुछ बैलेंस ज़्यादा है तो लगभग वही 100 गाड़ियों के आसपास हो जाएगा। तो बाजार है फिर भी थोड़ा सा तेजी की तरफ है। तो चलिए सुरेश भाई से लेते हैं आज की अपडेट। कैसे हो सुरेश जी? अच्छे हैं सर, बहुत बढ़िया। तो सर कल कहाँ से ले गए थे? हाँ जी, कल का वीडियो नहीं आया, कल कहाँ से ले गए? कल क्या है, ये बाहर गया हुआ था, कोई कहाँ से ले बताइए। तो सर आज प्याज में क्या माहौल बना, कितनी आवक है? आवक तो ये समझो नया फ्रेश माल है, छोटी बड़ी गाड़ी मिला के 50 गाड़ी के लगभग। अच्छा जी, अच्छा, लेकिन उतना ही बैलेंस है, बैलेंस भी उतना ही पड़ा, बैलेंस भी 30 से 40 गाड़ी का है बैलेंस। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही 90+ गाड़ियां हैं आज। 90+ है। तो सर आज बाजार क्या खुला नासिक वाला? बाजार तो यह है देखो 42-43 रुपए है जो ऊपर में। अच्छा जी, और हल्के में 37-38 रुपए, ज्यादातर माल बिके हैं 40 रुपए के लगभग। बिल्कुल बिल्कुल, पर सर पीछे है आज का जो माहौल है वो बहुत तेज है, 40-44 रुपए बोल रहे हैं पीछे। सर पीछे बोल रहे हैं, यहाँ पे भी क्या है कि एक आध दिन में बाजार चढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर ये तो जो गाड़ियाँ हैं पीछे की पहले की हैं, इसलिए थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि अगर आप नई गाड़ियाँ 40 और 44 के बीच में खुलेगी यहाँ पे, तो वो मेरे ख्याल 44 से 48-50 के 47-48 के लगभग। बिल्कुल बिल्कुल, तो माहौल दोबारा से फिर बन रहा है सर? माहौल दोबारा से बन रहा है, और ये क्या है 15-20 दिन तेजी रहेगी। अच्छा जी, अच्छा, क्योंकि अभी नया प्याज भी इतना नहीं आया, नया प्याज अभी आएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हल्की क्वालिटी आ रही है जो साउथ वाला माल, वो अभी टिकाऊ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और सर अपना एमपी वाला क्या पोजीशन रहा सर? एमपी वाला मैंने 40 रुपए बेचा है, ये वाला माल, वो वाला सामने वाली गाड़ी सर। हाँ, पीकर पत्ती का माल था, 40 रुपए बेचा है। बहुत बढ़िया सर, और अपना राजस्थान वाले? राजस्थान वाला भी बढ़िया माल, 40-42 रुपए। 40-42, यानी राजस्थान और एमपी बराबर है सर? बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे क्वालिटी अनुसार ये वाला क्या बिका सर? ये वाला 40 रुपए बेचा है, देसी पीली पत्ती। अच्छा जी, और ये वाला? ये वाला 40 रुपए। ठीक है, ये पीछे हल्की क्वालिटी है थोड़ा सा, ये वाला 37-38 रुपए बिकेगा। एमपी है? हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा, वो सामने वाला 40 रुपए उसका डेढ़ 40 रुपए बेचा है, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, और वो सामने पल्ली साइड है वो वाला 37 रुपए दिया। अच्छा जी, अच्छा, 37 रुपए का सर, बहुत बढ़िया सर। तो आपके हिसाब से अब प्याज में कुछ सुधार होने वाला है? हाँ, सुधार होने वाला है, पक्का है। 1-2 रुपए की ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सुधार पक्का है। बिल्कुल बिल्कुल, डाउन तो आने के कोई चांस नहीं है? डाउन के चांस कम है। बहुत बढ़िया सर, तो किसान भाइयों को अगर अच्छा प्याज है तो अपना थोड़ा थोड़ा करके बेचना, थोड़ा संयम से निकाले वैसे। बिल्कुल, धीरे धीरे निकाले, क्योंकि देखो आवक अगर कंट्रोल नहीं करते है ना, अब पीछे इंदौर मंडी या रतलाम मंडी में देख लो आप, या महाराष्ट्र की मंडियों में आवक बहुत ज्यादा हो जाती है, तो बाजार एकदम से टूटा था सर। बिल्कुल, बात तो सही, आवक क्या है कि वैसे एक साथ बढ़ती है, जब ऐसे बाजार टूटते हैं, आवक है धीरे धीरे निकाले किसान, जब भी फायदा मिल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। मोबाइल नंबर फर्म का नाम सर? 9992812131 श्री चार भुजा आलू भंडार चौक नंबर 36। चलो जी, धन्यवाद सर। ओके।